party, come move around. Cause fresh, fresh when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, there's some pillows in the Chevy. Hey. गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। तो गाइस, जैसे आपको पता है कल रात को हम 9 बजे पहुंच गए थे श्रीनगर में और हमने लिया था हाउस बोट। ये पीछे है ओयो रूम से हमने बुक कराया था हाउस बोट और बहुत ही शानदार था। और ये डल लेक के बैक साइड पे है, थोड़ा दूर था लेकिन हमारी बाइक पार्क हो गई थी जिस वजह से हमने ये हाउस बोट लिया था। और ये मेरे सामने है डल लेक और पीछे देखिए सारी हाउस बोट्स हैं। तो प्रोग्राम यह है कि हम रेडी हैं राइड के लिए। अभी हमने नाश्ता करना है, नाश्ता करके फिर हम निकल जाएंगे। समय 10 बज चुके हैं, हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, वो भी हाउस बोट पे। ये देखिए डल झील के किनारे, ये डल झील के किनारे, ये ब्रेड ऑमलेट और चाय, और हम खा पी के फिर निकलेंगे। ये पीछे देखिए पूरी डल झील है और ये पीछे हमारे हाउस बोट। हाउस बोट की बालकनी में बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिसका मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। श्रीनगर आओ और हाउस बोट ना रुको, मज़ा नहीं है फिर। कल रात को हमने यहीं बाइक पार्क कर रखी थी, तीनों बाइक हमारी खड़ी हैं और हाउस बोट हमारा ये सामने है पीछे। तो बैक साइड में लेने का यही हमारा मकसद था कि हमारी बाइक पार्क सेफली पार्क हो जाए। सामने गेटेड है, गेट के अंदर आके हमने बाइक पार्क करी है। तो हम रेडी हैं राइड के लिए, 10:30 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। पहले फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा नॉन स्टॉप दिल्ली के लिए। आज की राइड हमारी शुरू होती है और ये सामने है हाउस बोट, सामने देख लिए। तो हम चल रहे हैं अपने घर को, दिल्ली को। और ये गेटेड पार्किंग थी, कल रात को हमने गेट के अंदर बाइक पार्क करी थी। हाउस बोट में बस वही समस्या पार्किंग की थी जो हमने सॉल्व कर ली थी। हमने पता किया था कि पार्किंग हो जाएगी तो भाई ने कहा हाँ पार्क हो जाएगा, तभी हमने ये थोड़े बैक साइड पे लिया था। आप ओयो रूम पे जाके हाउस बोट को बुक कर सकते हैं, ओयो रूम पे अवेलेबल है हाउस बोट्स, या ऑनलाइन गूगल पे जाके भी आप बुक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है, बहुत सारी आपको चॉइस मिल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर की गलियां और मौसम आज देख ही रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। लास्ट 2 दिन से यहाँ खूब बारिश हो रही थी। तो हजरत बल रोड पे जाना है हमने और ये कोई कॉलोनी है हजरत बल रोड के पहले पीछे। अभी मैंने अपनी बाइक की चेन भी टाइट करानी है, मोर देन 2500 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम हैं कश्मीर में और अपनी बाइक में पेट्रोल फुल करवा रहे हैं, यहाँ से फिर निकलेंगे सीधा। तो यहाँ पे रेट है 104.66 रुपये। हमने अभी कारगिल में डलवाया था पहले और कारगिल के बाद यहाँ पे सीधा रास्ता जाता जम्मू को, पहलगाम जम्मू, और हमने जाना है दिल्ली। और नेशनल हाईवे 1 पे हम आ गए हैं, यहाँ से अब सीधा हम निकलेंगे दिल्ली को। तो मेन श्रीनगर सिटी से हम बाहर आ गए हैं और ये हाईवे आ गया है, नेशनल हाईवे 1। हमारी राइड शुरू हो चुकी है जो कि है दिल्ली को, श्रीनगर से दिल्ली। नॉन स्टॉप राइड रहेगी हमारी, रात को पता नहीं कितने बजे पहुंचते हैं, देखते हैं। तो यहाँ काफ़ी आधा घंटा ख़राब हो गया मेरा, चेन टाइट करा ली है और मेरे 2 बोल्ट गिर गए थे सैडल स्टे के, वो भी लगवा लिए। तो ये बनियाल में मैंने ये काम कराया है। भाईजान हमारे कहाँ चले गए, कहीं राजमा चावल खा रहे होंगे, ढूंढते हैं अपने भाइयों को। भाई इस 100cc वाले ने तो रेल बना रखी है, भाई साहब क्या तूफान चला रहा है, कोई गाड़ी कोई ट्रक कोई कुछ नहीं देख रहा, धड़ा धड़ धड़ा धड़ क्रॉस कर रहा है, बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई। ये देखो खड्डे पड्डे खड्डे पड्डे कुछ नहीं देख रहा वो, देखा
गिरा ना ये, लग ही रहा था कहीं ठुकेगा। इतनी तेज चला रहा था, मेरे को भी बहुत तेज क्रॉस करके गया पहाड़ों पे 100 cc से। भाई साहब इसने तो तूफान मचा दिया था, बचाव हो गया बच। वो तो छोटा था, वो था हाँ छोटा थी, अगर ट्रक ट्रक के नीचे आ जाता फिर। पीरा में पहुंच गए हैं ये भाई लोग भी पहले से पहुंचे हुए हैं। बहुत बुरा हाल है यार ट्रकों का। थोड़ा लंच करेंगे फिर उसके बाद नॉन स्टॉप दिल्ली। समय 2:20 हो गया है और हम पीरा में पहुंच गए हैं जहाँ राजमा चावल मिलते हैं, देसी घी के। और तू क्या खा रहा है? दाल चावल। ये हमसे अलग ही खा रहा है, अलग ही चल चाल में है। हम कुछ कहीं जाएंगे ये उधर जाएगा। अरे कमर तोड़ दी, बड़ा बेकार रास्ता है। बनियाल के बाद तो बहुत बेकार। ओवरटेक करा देंगे सामने मोटरसाइकिल में आने के। सामने ट्रक और एक 100 cc मेरे को ओवरटेक के ऊपर भाग रहा। 100 cc वो जाके उसने मारी वो छोटे हाथी पे जाके थरुम। मैं कह साले मैं बोल ही रहा था इस पर, मैं कहा ये बड़ा तेज भाग रहा है कहीं ठुके हो, आगे जाके ठुक ही गया लेकिन बच गया, वो हल्का से गिरा है, उठ के भाग गया साला पंजाब का। राजमा चावल खा लिए और पी रहे हैं कॉफ़ी, थोड़ा एकदम अलर्टनेस आ जाएगी कॉफ़ी से, फिर चलेंगे अभी नॉन स्टॉप। ट्रकों ने ऐसी तैसी कर दी यार, इस रूट पर इतने ज़्यादा ट्रक हैं। पठानकोट तक तो बुरा हाल होने वाला है, उधमपुर पठानकोट पूरा ये ट्रकों से ही भरा मिलेगा हमें। निकलते हैं जल्दी। हो गर्मी बहुत लग रही है, पसीना आ गया है। जैकेट के सारे वेंट खोल दिए मैंने। तो मैं फर्स्ट टाइम इस टनल पे आया हूँ। मनाली से हमने अटल टनल पार करी थी और ये लखनपुर टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल। और टनल से बाहर आ गए, 2 घंटे बजाए हैं हमारे इस टनल ने। नहीं तो पटनी टॉप के पहले ऊपर जाना पड़ता था, फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता था। 1 घंटा ऊपर जाने का, 1 घंटा नीचे आने का। ये देख लो जी, पिछले 5-6 किलोमीटर से ये पूरा जाम लगा हुआ है उधमपुर टनल निकलते ही, और अभी कंटिन्यू है। बहुत लंबा जमा, 5-6 किलोमीटर हो गए। मैं तो बाइक थी इसलिए मैं निकाला, नहीं तो बहुत तगड़ा जाम लग गया। अब ये देखो ट्रक ही ट्रक होते नहीं कितने, पूरे इंडिया के ट्रक एक ही जगह आ गए हैं। बाप रे, ये देखो भाई साहब, भाई को बहुत जल्दी हो रही है, ट्रक ही चढ़ा देगा किसी पे भी। तो ये उधमपुर सिटी में पहुंच गए हैं, और उधमपुर से पहले या जो बुरा हाल है रोड का, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिल्ली 637 किलोमीटर। तो भाई लोग सुबह 10:30 बजे चले थे हम, और 7:30 बज चुके हैं। कंटिन्यू बाइक राइड हो करते हुए लखनपुर बॉर्डर पे कई बार आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे जाता था तब यहाँ पे मैं, गाड़ी आती थी हमारी यहाँ, गाड़ी खड़ी करते थे हम अपनी पर्सनल कार। तो गाइस 8:15 बज चुके हैं और हम हैं जालंधर से 100 किलोमीटर पहले, और छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि कंटिन्यू राइड कर रहे थे जहाँ से हमने पेट्रोल फिल कराया, और लगभग 100 किलोमीटर आ गए उसके बाद। अब हम जा रहे हैं दिल्ली को, या देखते हैं बॉडी जवाब दे जाएगी तो हम कहीं द्राहा, मेरा फ्रेंड है वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर हम सीधा जाते हैं। चलो लेट्स राइड, अभी देखते हैं यारो, 2 घंटे कंटिन्यू राइड करते हैं और लुधियाना पहुंचते हैं। 8:22 हो गए हैं, 8:10 पे हमने लिया था एक ब्रेक, 12-15 मिनट का ब्रेक बहुत होता है, अब चलते हैं। तो भाई लोग बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, लगभग 70 किलोमीटर पहले जालंधर से। अब मैं कैमरे को पैक कर रहा हूँ वरना दिक्कत हो जाती है, एडप्टर लगाने की वजह से ना इसका एक्सपोज हो जाता है पानी में। हम हैं अभी लुधियाना से 20 किलोमीटर आगे द्राहा, पंजाबी रेस्टोरेंट है वहाँ पे हैं, और मैं 11 बजे यहाँ क्रैक पहुँच गया था। लेकिन तो अपना जोगिंदर भाई ने आज फिर एक कांड कर दिया है, हमने अपना पठानकोट से आगे कट आता है जो अपना लुधियाना
को जाता है, लेकिन वो भाई निकल गया अमृतसर वाले सीधे रूट पे और अमृतसर से फिर लुधियाना आ रहा भाई। तो सोच लो 2 घंटे का डिफरेंस डाल दिए। अब हम वेट कर रहे हैं, 1 घंटा तो कंटिन्यू हो गया वेट करते हुए, अभी 1 घंटा और कंटिन्यू चलते तो हम 3 बजे दिल्ली पहुंच जाते। मैं अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ यार, ये हमारा फार्मेसी फ्रेंड है मेरा, मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ऊपर हो गया है। 30 साल हो गए ना। तो भाई हम मिलते रहते, बातचीत होती रहती है। अभी मैंने फ़ोन किया तो फटाफट भाई आया, कह रहा नहीं आपने घर पे रुकना है। तो अभी वो आएगा भाई हमारा जोगिंदर, उससे बात करेंगे, अगर वो चलने को राजी हुआ तो चल पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ रुक जाएंगे। मैं समझा नहीं कि अमृतसर उसी रास्ते में पड़ेगा, समझा तो अपने आप ही समझा। मैं फिर इसी चक्कर में अमृतसर वाले रास्ते पर घुस गया, फिर मैंने आपको कॉल करी, फिर आपने बताया मेरे को एग्जिट कहाँ है। मैं 11 बजे करेक्ट पहुँच गया था, और जिससे भी बात कराई थी वो बंदा यहीं रहता है। वो बंदे ने अभी 1 बज रहा है और 3 बजे मैं घर होता। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी 3 बजे। हाँ बिल्कुल पक्का 3 बजे का तो दिखाई देता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी हूँ दोराहा लुधियाना के पास, और रात को हमें सोते सोते 1:30 या 2 बज गए थे, और अभी समय हुआ है 6 बज गए हैं, 5:15 साढ़े 5 उठ गए थे। अब सीधा निकल रहे हैं दिल्ली को, और हमें 2-3 घंटे का हमें ब्रेक मिल गया है, और नॉन स्टॉप दिल्ली जाएंगे, और फिर हमारा एक्सट्रीम जंस का हमारी एपिसोड है वो पूरे हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको बाइक पे। तो गाइस हमने करनाल को क्रॉस कर लिया, और पानीपत यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया है, और 8:40 हो चुके हैं, और 6:15 हमने राइड शुरू कर दी थी। और ये भाई देखिए ट्रिपलिंग विदाउट हेलमेट, ऐसे सीन तो बहुत नज़र आएंगे हमारे इंडिया में।